रहा था कि हम इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको पता है कि जो मैं वीडियोस कवर कर रही हूँ वो मैं बेसिकली या तो कुछ सोशियोलॉजी के हम वीडियो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कुछ वीडियो कवर कर रहे हैं, या साथ ही साथ अलॉन्ग विथ हम इंडियन सोसाइटी के भी कुछ टॉपिक्स पर जो वीडियोस है वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है जैसा कि। और इससे मुझे लगा कि कुछ कुछ ऐसा नॉलेज मैं आपको, इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है जो आपको पता है कि हमारे GS1 में कहीं ना कहीं कवर होता है, GS1 में ये कवर होता है बेसिकली अलॉन्ग विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, तो उनके साथ ये कवर होता है। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो इसका भी बनाया, तो मैं इसी तरीके से कुछ सोशियोलॉजी के टॉपिक्स लूंगी, कुछ इंडियन सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो लेंगे, और उसमें 10-15 मिनट का एक वीडियो, ताकि आपको पता चले कि उनके पर किस तरीके से फोकस करना है, क्या गाइडेंस है, तो आपको पता चले एंड आपको ईजी रहे, आप एक कन्वीनियंट मोड में आए कि अगर आपको मलूका आईएएस को ज्वाइन करना है तो एक अच्छी आपको हेल्प होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टडी होती है। तो देखिएगा, तो जो बेसिकली हमारे जो टॉपिक्स हैं GS1 में इंडियन सोसाइटी के, लगभग उसमें 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और लगभग एवरी ईयर वहां पर 6 to 7 questions है एवरी ईयर, वो आपके लिए कवर होते हैं। और एक 2013 से एड ऑन किया गया एक न्यू टॉपिक है, और वो इसीलिए एड ऑन किया गया जस्ट बिकॉज एज वी कैन सी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं करेंटली। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारी कंट्री में, स्पेसिफिकली उसमें जो कैलकटा जो रेप एंड मर्डर केस है वो अगेन हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन अराइज करता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि पैट्रियार्की से, बट मैं उस केस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मैं एक वीडियो बताऊंगी कि जैसे देखिए पैट्रियार्की किस तरीके से हिट करती है अगेन उस केस के अंदर, और फिर से एक पैट्रियार्की हमें शो होती है। तो इस तरीके की जो चीजें हमारे कंट्री में हो रही है, जो सोसाइटल चेंजेस हमें दिख रहे हैं फास्ट मोड में, तो जिनके ऊपर एक ग्लोबलाइजेशन का, एक डिजिटलाइजेशन का भी इम्पैक्ट हमें क्लियरली शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और जब जब ऐसे केसेस हो रहे हैं जब तो एक जो इशू है वो हमेशा क्रिएट होकर आ रहा है, सामने आ रहा है, जो बहुत ही एक हीटिंग इशू है कि क्या ये सारा इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का है और क्या ये सारा इम्पैक्ट डिजिटलाइजेशन का है। तो जो हम जिसे कहते हैं ना कि हर एक के हाथ में मोबाइल फोन सिक्योर है और उसमें जैसे मन चाहे चीजों को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और किसी को उसकी लिमिटेशन पता नहीं है। तो ये लिमिटेशन कैसे पता चलेगी बेसिकली लोगों को, तो उस तरीके की भी जो चीजें हैं, इस तरीके के जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एग्जाम से अगर आप करेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं यूपीएससी इन चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो बहरहाल आज तो जो मैंने टॉपिक यहाँ पर पिक किया इंडियन सोसाइटी के लिए, दैट इज द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आपको पता है कि हर सोसाइटी में अपने कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर फीचर्स भी कह रहे हैं। तो हर सोसाइटी में अपने इस तरीके के कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उस सोसाइटी को बेसिकली हम उस नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अमेरिकन सोसाइटी, जापानीज सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, तो पर्टिकुलर आप देखेंगे कि हम वहाँ के कल्चर के नाम से, वहाँ के रिलीजन के नाम से, क्रीड के नाम से, या वहाँ के ट्रेडिशन के नाम से, फूडिंग सेंसेस हो गया वहाँ का, ड्रेसिंग सेंस हो गया, लैंग्वेज या डायलेक्ट्स हो गए, या बेसिकली और भी उनका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है या कंडीशंस है एक्सेट्रा, तो उनके नाम से हम उस सोसाइटी को जानते हैं, पक्की बात है ना। तो इसी तरीके से अगर जब हम अपने इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, एक भारतीय समाज की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम देखिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, आप इस चीज को फील कीजिए, तो आपको एक चीज फील होगी कि हाँ, मतलब इंडियन सोसाइटी बोलने से ही, मतलब हमारा जो बहुत एक अच्छा, एक जो बड़ा ही एक जिसे हम रिच कल्चर कहते हैं वो हमारे जहन में आता है, एक बहुत अच्छे जो वही कहते हैं ना खाने की खुशबू, जो एक फूडिंग सेंस है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है कि अच्छा सदर्न स्टेट में किस तरीके का फूडिंग है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का है, या ऊपर हम और चले जाए नॉर्थ साइड में या वेस्ट साइड में, या हम नॉर्थ इंडिया जो बीच का एक मिडल सेंट्रल इंडिया है वहां पर आ जाए, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर इसी तरीके से हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे जो ट्रेडिशंस है वो हमारे दिमाग में आते हैं कि अच्छा कहीं पोंगल सेलिब्रेट हो रहा है, यस ऑफकोर्स कहीं बिहू हो रहा है, कहीं बैसाखी है, कहीं लोहड़ी है, तो कहीं छठ पूजा है एक्सेट्रा। तो बहुत सारा इस तरीके का कल्चर हमारे समझ में आता है, कुछ फोक सॉन्ग्स है, कुछ फोक डांसेस है, तो वो भी सारी चीजें कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हमारे जहन में आती है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आती है। तो मतलब जब हम आंखें बंद करते हैं, तो मैंने क्या बोला,
हमें वो जो स्पेसिफिक फीचर्स है जिसके नाम से मैंने क्या बोला, हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को जानते हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी के लिए बात करें तो कुछ इसी तरीके के फीचर्स हमें यहाँ पर भी ध्यान में आते हैं, है ना। और उसी के नाम से हम अपनी इंडियन सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं। तो जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं यूपी से हूँ, हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, एक्सेट्रा फला फला जगह से। तो बेसिकली आई एम एन इंडियन एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, समझ रहे हैं। तो मैं एक इंडियन हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अपने कल्चर को शो करती हूँ, क्योंकि जाते जाते मैं वहां पर नमस्ते करती हूँ या थैंक यू की जगह पर धन्यवाद बोलती हूँ। तो बेसिकली मैं अपने एक पर्टिकुलर एक इंडियन कल्चर को वहां पर रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसीलिए उस कल्चर के जो कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे, कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स उस कल्चर में होंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे हमारे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम सेलियंट फीचर कहते हैं, जैसे कि वर्ण आश्रम सिस्टम है हमारे पास, वर्ण सिस्टम एंड आश्रम सिस्टम जिसे मिलाकर कहते हैं वर्ण आश्रम सिस्टम है, पुरुषार्थाज है हमारे यहाँ पर, ओके। तो पुरुषार्थ का सिस्टम है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वर्ण सिस्टम जिसे कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड अनटचेबल्स, ठीक है। इसी तरीके से आश्रम सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड सन्यासा आश्रम, तो ये जिन्हें हम मिलाकर वर्ण कहते हैं, आश्रम व्यवस्था या आश्रम सिस्टम कहते हैं, ठीक है, या पुरुषार्थास कहते हैं। वी हैविंग ऑल्सो 16 संस्कारास, तो 16 संस्कार है हमारे पास, तो 16 संस्कारों की एक व्यवस्था है। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक एक कल्चर को एकदम शेयर करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, है ना। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक सेलियंट फीचर है कि हमारे यहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हम लोग देखते हैं। मैरिज सिस्टम है हमारे यहाँ पर, फैमिली सिस्टम है, सबसे अच्छी बात आज भी हमारे कंट्री में मैरिज और जो फैमिली सिस्टम है जिन दोनों को हम एक इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन आज भी हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, बेसिक जिसे हम कहते हैं कि आज भी हमारे अगर कंट्री की मूल या नींव या जो फंडामेंटल है वो आज भी मैरिज और फैमिली से कहीं निकल कर आते हैं, और एक जो सिस्टम है जो इंडियन सोसाइटी में वो उस तरीके से बिल्कुल मेंटेन होता है, तो उस तरीके की चीजें भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी तरीके से किनशिप का सिस्टम है, तो इतनी बड़ी नातेदारी व्यवस्था जहाँ पर इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली कल्चर होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमको इंडिया में ही देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, तो पैट्रियार्की भी जो है इसी में आती है। टॉलरेंस का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, कि मतलब हमारे यहाँ पर लोगों में आप देखिए इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, आप देखिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर, जो रेशियल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर, एक्सेट्रा, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बट इवेंचुअली वी आर यूनाइटेड, फिर भी हम एक है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी देखिए हम एक है। ये कितनी मतलब अच्छी क्वालिटी है जो इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर के कारण, क्योंकि जस्ट बिकॉज वी हैविंग टॉलरेंस, ठीक है। तो हमारे और आपके पास दोनों के पास एक टॉलरेंस पावर है, और इसीलिए इतने धर्मों के लोग, इतनी जातियों के लोग एक देश में रहते हैं, सबके फेस्टिवल मनते हैं, शोर शराबा होता है, सारी चीजें होती है, बट कहीं भी देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो टॉलरेंस एक बहुत बड़ा गुड है, एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमारे कंट्री को शो करने का काम करता है। इसी तरीके से देखिएगा हमारे यहाँ पर कुछ जो सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन है, तो ट्रेडिशनलिज्म और जो मॉडर्नाइजेशन है उसका एक मिक्सचर हमको यहाँ पर दिखाई देता है, एक कोएग्जिस्टेंस दिखाई देता है। इसी तरीके से मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, तो भौतिकवाद और जिसे हम अध्यात्मवाद कहते हैं उसका भी देखिएगा एक बहुत अच्छा मिक्सचर जो हमें अपनी इस कंट्री में दिखाई देता है, अपनी इस इंडियन सोसाइटी में देखिएगा आप दिखाई देता है। तो बड़ी बढ़िया बात है कि इस तरीके के जो फीचर्स है वो हमको अपने इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और एक्सेट्रा बहुत सारे और भी फीचर्स है जो हमें शो करते हैं हमारे यहाँ पर, कि हाँ जो इंडियन सोसाइटी है वो इन सारी क्वालिटीज से बिल्कुल लेस और जिसके नाम से हम उसको जानते हैं। तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जीएस फर्स्ट के पेपर में, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डाइवर्सिटी से लेकर, है ना, या कल्चरल पॉकेट्स जैसे वर्ड से लेकर, या टॉलरेंस से लेकर हमारे यहाँ पर, है ना, या कल्चरल या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर
हमारे यूपीएससी में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। और चूंकि आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली हमारी क्लासेस भी चल रही है, मनुका आईएएस में इंडियन सोसाइटी की क्लासेस चल रही हैं, तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी कहीं एडमिशन नहीं लिया तो अभी भी मनुका आईएएस को ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके के वीडियोज है जो बीच बीच में आपको इंडियन सोसाइटी की ओर से भी प्रोवाइड करती रहूंगी, तो कुछ वीडियो सोशियोलॉजी के ऊपर, कुछ वीडियो सोसाइटी के ऊपर, तो कंटिन्यूअसली ये मलुका आईएएस की ओर से ये वीडियोस आपको हर दिन मिलते रहेंगे और इनका फायदा ले सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो बस यही है, और इसी के साथ ठीक है शॉर्ट में मैं वीडियो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली बात है कि मेरा एम यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं है, बस बहुत ही कम वर्ड्स में आपको मैं बेटर से बेटर कितना नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो यही मेरा यहाँ पर एम है। थैंक यू सो मच।